जो हमारे स्कॉलर हजरात हैं जो कि तालीम ले रहे हैं दारुलूम या नदवातुल उलेमा में, तो ये लोग जो है जदीद तालीम से इतने दूर क्यों? फॉर एग्जांपल मेरे कुछ वहाँ से लोग फरागत के बाद हैं, यकीन वो फिका वगैरह में बहुत माहिर हैं और होने भी चाहिए क्योंकि हम उसमें स्पेशलाइज नहीं है, हमें ज़रूरत है उनकी। लेकिन वो जो जदीद तालीम है, इवन अगर आप 14 जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है 1947 तक और 1857 से लेकर के, उसमें वर्ल्ड वॉर हुई है और उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ठीक है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज हैं जिसको आप नहीं जानते, तो कहीं पर भी डिबेट चल रही होगी किसी भी टॉपिक पर किसी भी न्यूज़ चैनल पर, तो आपको समझ नहीं आएगी बात हो क्या रही है। होलोकास्ट समझ में नहीं आएगा, होलोकास्ट है क्या? तो आपको नहीं लगता ये दरस निज़ामी जो है इसके अंदर कुछ रद्दो बदल अब होनी चाहिए? और यकीनन ये जो सेक्शन है मॉडर्न हिस्ट्री का 1857 से लेकर के 1947 तक का, ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें सारी ही पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज वजूद में आई हैं जितनी भी अभी चल रही हैं, चाहे वो सेकुलर हो या फिर कैपिटलिज्म हो और सेकुलरिज्म हो या फिर वर्ल्ड वॉर हो, और जो यूरोप है और अमेरिका है वहां पर भी जो जदीद फिक्र पैदा हुआ है, तो सबका ताना बाना जो है, ये जो हिस्ट्री है मॉडर्न हिस्ट्री, इसका चैप्टर इंक्लूड होना चाहिए मदरसों में जो दरस निज़ामी में हमारे जो उलमा हज़रात जा रहे हैं। एटलीस्ट इतना तो उन पे पकड़ होनी चाहिए, वरना तो वो तो मुझे ठीक है, मैं लगता है सवाल किसी समझ गया। डिबेट मैं में आपका होगा। बुनियादी सवाल यह है कि क्या मदरसों का जो सिलेबस है उसको रिन्यू होना चाहिए, रिव्यू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आपका बुनियादी सवाल यह है। शेख, आप लोग क्या बोलते हैं? हाँ, मैं तो कुछ बातें असल में और दूसरी इसमें इस बातें भी आप सवाल कमेंट के बहुत करिए। सारे पहलू हैं, एक सवाल के जी बहुत सारे पहलू, मैं तो एक-एक पहलू पे थोड़ा सा बात करूँ। एक बात तो जी ये है, पहली बात कि जो दरस निज़ामी की बात हम करते हैं, जो निज़ामी निसाब था वो बहुत हद तक के रिनीव हुआ है, यानी जैसा आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले जो सिलेबस था वो बहुत हद तक चेंज हो गया है। मंतिक निकाल दी गई है, फलसफा निकाल दिया गया है, तो अपडेट तो हुआ है, ठीक है। इस पर बात हो सकती है कि और क्या क्या अपडेट होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें नहीं आनी चाहिए और किस किस पहलू पर और मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई निजाम जो है वो 30 40 साल पुराना ही चल रहा है और वही निसाब और सिलेबस चल रहा है। निजाम बहुत हद तक के तब्दील हुआ है, दीनी उलूम में भी हर चीज में भी तब्दीली आई है। दूसरी बात यह है कि जो आपने बताया ना वो मसले का एक पहलू है और बिलाशुबा एक फील्ड वो है काम करने की, लेकिन मदारिस से जो तबका निकलता है उलमा का, वो सारे जो है ना उलमा, उनके लिए उनके मैदान अलग अलग होते हैं। मसलन मदारिस जो है वो मुहद्दिसीन निकाल रहे हैं, तो मुहद्दिसीन के जो काम करने का फील्ड होता है उसमें उनको इन चीज़ों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। मुफस्सरीन निकल रहे हैं, फुकहा निकल रहे हैं, उसूल फिक के माहिरीन निकल रहे हैं, अकीदे पर एहतमाम करने वाले निकल रहे हैं, तो ये जो सारी फील्ड है ना, ये जहाँ जो इन फील्ड में काम करने के लिए जो उलमा निकल रहे हैं, इनको बहुत ज्यादा तारीफ की या जो जदीद नजरियात आप बता रहे हैं, फेमिनिज्म है, सेकुलरिज्म है, मार्क्सिज्म है, कम्युनिज्म है और जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरी और जो भी नजरियात का एक पूरा जंगल है, उनको उनको टच किए बगैर भी ये सारी फील्ड में काम कर सकते हैं। अलबत्ता एक खास फील्ड है दावत की, डिबेट की फील्ड, तो उसमें जो निकलने वाले उलमा हैं उनको जाहिर सी बात है कि इस पर मेहनत करनी चाहिए। और इसके लिए मदारिस, असल में ये बात इससे पहले भी शुरुआत में आई कि मदारिस असल में आलिम नहीं बना करके निकालते हैं, मदारिस जो है वो इल्म का एक रास्ता दिखा देते हैं। तो कोई तालिबे इल्म जो मदरसे से निकल रहा है, अगर उसको ये लगता है कि एक फील्ड है डिबेट की या एक फील्ड है दावत की और इस फील्ड में मुझको जाना है, तो उसके लिए मदारिस इतना कम से कम सिखा देते हैं कि अगर आदमी उस पर मेहनत करके और इस फील्ड में आना चाहे तो इंशाल्लाह ताला मेहनत करके कामयाब हो सकता है। यानी मदारिस से निकलने के बाद आमतौर पे तलबा जो है उनके लिए रास्ता खुला होता है कि किसी हिस्ट्री में या आर्ट्स के शोबे में या साइंस के शोबे में जा करके बीए कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं, पीएचडी तक के करते हैं। तो ऐसे अच्छे खासे मदारिस के फारिगीन हैं जो कॉलेजेस में जा करके, यूनिवर्सिटीज में जा करके हिस्ट्री में या लिटरेचर में या फिर जो है वो दूसरे शोबों में जा करके आगे की तालीम हासिल कर रहे हैं, और उनके लिए गुंजाइश मौजूद होती है। तो वो आप जो बोल रहे हैं वो एक जरूरत का एक पहलू है, उस पर मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन आप मदरसे का जो मकसद है ना वो बहुत बहुत सारे तनव बहुत सारी चीजें, तो एक मुहद्दिस है, अगर मुहद्दिस ने फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में नहीं पढ़ा है तो उसके मुहद्दिस होने में उसको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, या कुरान का मुफस्सिर है या फिक्र का माहिर है तो उसने अगर वो हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, वो ये नजरियात के बारे में वो नहीं जानता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा मसला नहीं होगा। अलबत्ता कोई फील्ड में आकर के दावत का काम करना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके लिए हिस्ट्री और इन नजरियात की तारीख जानना जरूरी है, तो उसके लिए मदारिस इतना कम से कम दे देते हैं कि अगर आपकी जो है ना मेहनत करना चाहें एक फील्ड में तो उतनी मालूमात आप हासिल कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है जो आप ये बता रहे हैं।
हम लोग भी सब मदरसे से निकले हुए हैं, तकरीबन एक साल से हम लोग डिबेट कर रहे हैं इस तरह के मौजूदात पर। तो मेरे ख्याल से कुछ उसकी जरूरत है भी, और सारे शोबों में लेकिन नहीं है। तो आप ये बोलेंगे सिलेबस में डाला जाए, ये लाजिम नहीं होता है। हाँ, जो लोग उस फील्ड में काम करना चाहते हैं वो आउट ऑफ सिलेबस जाकर की चीजें पढ़ सकते हैं, और ऐसे असातिज़ा होते हैं जो इन मामलात में मदरसे में रहनुमाई करते हैं हमारे। बारकल्लाहु फीकुम। खास बात यह है कि ऐसा भी नहीं है, मतलब जो भी मुहद्दिस हैं, जो भी मुफस्सिरीन हैं, आप उनकी तफसीरों को देख लीजिए ना, तो उससे आपको पता चलेगा कि वो जदीद तालीम से दूर नहीं है। जदीद नजरियात उनको मालूम होते हैं और उस पर पढ़ते हैं। आप उर्दू जो तफसीरें लिखी गई हैं, उलमा ने जो लिखी हैं, आप उनको देख लीजिए, आप अरबी तफसीरें देख लीजिए, उनमें देख लीजिए कि ऐसा लगता है, महसूस होता है। और पीछे के उलमा के आप नाम देख लीजिए, अल्लामा इब्ने तैमिया, अल्लामा इब्नुल क़य्यिम, अल्लामा गज़ाली, जितने भी नाम आप देख लीजिए ना, उनको जब पढ़िए तो वो तो जा करके सर्च करना पड़ता है बैठ करके गूगल पे कि इन्होंने जो बात कही है इसके पीछे का बैकग्राउंड पूरा क्या है। तो ऐसा नहीं है बुनियादी तौर पे कि वो जानते नहीं है, दूर हैं। ये बात आपकी इतनी सही है कि इस्लाह के बाद भी कुछ जरूरतें हैं, वो जैसा सरफराज भाई ने कहा वो ठीक है, लेकिन दूर भी इतने नहीं है कि इन बेसिक चीजों को नहीं समझ सके और नहीं जान सके। हाँ, जो लोग, बहुत सारे लोग वो इस्लाह चाहते हैं जो अपनी शर्त पे, यानी मदारिस में इस्लाह मदारिस के सिस्टम से होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग इस्लाह चाहते हैं मदरसे में स्कूल वाली सिस्टम से, तो ये ठीक नहीं है। और जितनी तेज से ये आवाज उठ रही है, हालांकि एक दो तरह की आवाज है, एक तो बाहर की आवाज है, एक अंदर की आवाज है। अंदर वाले जो आवाज उठा रहे हैं मदारिस में इस्लाह की, अच्छी बात है, बेहतर बात है, लेकिन उसी के साथ साथ एक बात हम लोग नोट करें कि जिसपे कभी बात नहीं होती है। ये बात तो होती है कि मौलाना को इंग्लिश जानना चाहिए, यकीनन जानना चाहिए, लेकिन अगर वो इंग्लिश नहीं जानता है उसका नुकसान है, लेकिन उतना बड़ा नुकसान नहीं है जितना बड़ा जो इंग्लिश पढ़ रहा है लेकिन दीन नहीं जानता, उसका नुकसान जितना बड़ा है। यानी एक पूरा सिस्टम ही खत्म हो गया। तो ये आवाज क्यों नहीं उठती कि तमाम स्कूलों में, कोई आवाज नहीं उठाता कि तमाम स्कूलों में दसवीं तक जो बारहवीं तक बच्चा पढ़ रहा है, उस बारहवीं तक और दसवीं तक पढ़े हुए बच्चे को कुरान के बारे में मालूम होना चाहिए, कुछ सूरतें याद होनी चाहिए, बुनियादी दुआएं मालूम होनी चाहिए, बुनियादी अकायद मालूम होना चाहिए, रसूल की सीरत मालूम होनी चाहिए। यहाँ तक कि बच्चा 11 में होता है, बच्चा 10 में होता है, उसको पैगंबर का नाम नहीं मालूम होता, उसको कलिमा का मतलब नहीं मालूम होता है, उसको कुरान के बारे में पता नहीं होता है। हाँ, उसको स्टार्स के बारे में मालूम होता है, उसको दुनिया जहान की सारी अल्लम गल्लम चीजें मालूम होती हैं, मगर दीन के बारे में कुछ नहीं मालूम होता। लेकिन पूरे समाज से आवाज नहीं उठती है कि भाई क्या आप लोग पढ़ा रहे हैं। लोग अपने बच्चों को देखते हैं, मेरा बच्चा स्टेज पे नाच रहा है, लोग देख रहे हैं कि हमारे बच्चे को फला नजरिया पढ़ाया जा रहा है, लोग देखते हैं हमारी बच्ची को परी बनाया जा रहा है स्कूल में, हमारी बच्ची को नचवाया जा रहा है। तभी गार्जियन कोई जाकर सवाल नहीं करता कि हमने अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को आपके स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, नचवाने के लिए नहीं भेजा, हमने अपनी बच्ची को इंग्लिश पढ़ाने के लिए भेजा, अंग्रेजन बनाने के लिए नहीं भेजा। ये हमारे समाज से सवाल उठ ही नहीं रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल पे, इस पर भी बात होनी चाहिए। ठीक है, वो बात जो आपने कही, मैं आप पर कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। सारी फील्डों में असल में सिर्फ जो है ना वो एक मौलवियों से ये तकाजा करना कि वो हर चीज के माहिर हो जाए, ये गलत है। मतलब जैसे सारी फील्ड है ना, तो हम डॉक्टर से ये तकाजा नहीं करते कि वो हिस्ट्री की फील्ड में माहिर हो, हम इंजीनियर से ये तकाजा नहीं करते कि उसको फलसफे की बारीकियां भी पता हो। तो मदरसे से फारिग आदमी से ये मुतालबा करना कि इसको हिस्ट्री की भी नॉलेज होनी चाहिए, उसको साइंस की भी नॉलेज होनी चाहिए, उसको जबान की भी नॉलेज होनी चाहिए, वो एक फील्ड है। तो उस फील्ड में भी अलग अलग तबके निकलते हैं काम करने के लिए। तो जिसको जरूरत है जिस फील्ड में अपनी, जिस फील्ड में उसको जो जिन चीजें जरूरी है ना, वो मुतालबा करना चाहिए कि आप ये चीजें हासिल करें। तो अगर कोई जमीनी सतह पर दावत की फील्ड में काम कर रहा है तो उसको फिर ये बोलना चाहिए कि आपको ये नजरियात पढ़ने चाहिए, इनका मुताला करना चाहिए, आपको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। पर एक मुहद्दिस है या एक आदमी जो है वो जरह तादील के फन में कोई काम कर रहा है या तफसीर के फन में कोई काम कर रहा है, उसको ये बोले कि नहीं आपको फलसफे और नजरियात की तारीख भी पता होनी चाहिए और आपको सारे जो रेवोल्यूशन आए हैं और वो सारे आपको इल्म में होना चाहिए, तो ये तकाजा गलत है मेरे ख्याल से।